हे गाइस, फिर से एक बार स्वागत है हमारे एक रहस्य से भरी वीडियो में। आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन ये मूवी सीरीज देखी होगी, उसमें आपने कई सारे रहस्यमय और अद्भुत सीन देखे होंगे, जैसे कि श्रापित समुद्री लुटेरे, रहस्यमय दानव, रहस्यमय डाकू और रहस्य से भरे हुए जहाज। तो आज हम इस वीडियो में दुनिया के कुछ भूतिया और रहस्यमय जहाजों के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हमने रहस्यमय डाकू आइलैंड इसके बारे में जाना होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो जाकर देखिए। नंबर 5, द एसएस वैलेंसिया। 96 में एसएस वैलेंसिया ने केप मेडोसिनो के पास खराब मौसम का सामना किया, पर अफसोस की बात यह है कि वो वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया के तट पर डूब गया। बाद में उस जहाज के 108 में से केवल 37 लोगों को जीवन रक्षक नौकाओं का उपयोग करके बचाया गया, पर उनमें से भी एक आदमी गायब हुआ। तब से कई मछुआरों ने कई दशकों के बाद भी मानव कंकालों के साथ इस भूतिया जहाज को देखने का दावा किया है। नंबर 4, द ओरंग मेडन। 1947 में दो अमेरिकी जहाज मलाका जलडमरू मध्य से गुजरते हुए जा रहे थे। ओरंग मेडन से एक संकट कॉल उन्हें प्राप्त हुआ। उस संकट कॉल मिलने के बाद वो जहाज बचाव अभियान के लिए रवाना हुए। फोन करने वाला आदमी चालक दल के होने का दावा किया और उसने बताया कि शिप पे बाकी लोगों की मौत हुई है। उनके शब्द आई डाई इस अजीब तरह के साथ समाप्त हो गए। जब बचाव अभियान का दल जहाज में पहुंचे, वह बहुत ही हक्का बक्का रह गए, क्योंकि जहाज पे सभी लोग, जहाज के कुत्ते सभी बहुत ही खतरनाक चेहरे और भाव के साथ मरे हुए थे। आगे की जांच करने से पहले पूरे जहाज में आग लग गई और जहाज विस्फोट हो गया। संभावित कारण नाइट्रोग्लिसरीन का अति जोखिम हो सकता है, जिसे वो जहाज अवैध रूप से ले जा रहा है। पर हैरान करने वाली बात तो आगे है। कुछ तर्क ऐसे भी है कि उन लोगों की मौत भूतिया घटना की वजह से, नहीं तो एलियन एक्टिविटी से हुए जाने वाले का दावा किया है। आपको क्या लगता है? नंबर 3, द कैरल ए डेरिंग। ये जहाज 1921 में उत्तरी केरोनिया के केप हेडर के पास फेमस डायमंड शोल्स में घिर गया था, जहाँ किसी भी बचाव दल को कई दिनों तक जाने के लिए रोक दिया था। बाद में तटरक्षक ने पाया कि उपकरण, लॉग बुक और दो लाइफ बोट जहाज से अजीब तरीके से गायब थे। जहाज से पता चला कि उसी समय कुछ अन्य जहाज भी आसपास रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे। इसकी वजह बहुत सारी है, कुछ समुद्री डाकू, नहीं तो चालक दल के विद्रोह के कारण, और नहीं तो रहस्यमय बरमूडा ट्रायंगल की वजह से। नंबर 2, द लेडी लोईबॉन्ड। प्यार, ईर्ष्या और क्रोध की ये एक दिलचस्प कहानी प्रेतावादी जहाज की कहानी को पूरी करती है। 1748 में वैलेंटाइन डे से पहले एक दिन जहाज का कप्तान अपने शादी का जश्न मना रहे थे, पर उस कप्तान का दोस्त, जो कप्तान की बीवी से प्यार करता था, उसने प्रतिशोध में आकर जहाज को गुड विंड सैंड्स में डाल दिया। उसमें जहाज डूब गया और सभी ऑन बोर्ड्स को मार दिया। तब से इस जहाज को कैंट के पास हर 50 साल में देखा गया है। 1798, 1848, 1898 और 1948 में इस जहाज की दर्शनीय स्थलों पर देखा गया है, और कुछ जहाजों ने वास्तव में बचाव दल को भेजा था यह मानते हुए कि एक संकट में था, लेकिन बाद में उन्हें यह जहाज मिला ही नहीं। नंबर 1, द कैलोचे। दोस्तों, इस जहाज की कहानी बहुत ही रहस्यमय है, आप सुनकर बहुत ही चौंक जाओगे, तो सुनिए। ये चिलोटा पौराणिक कथाओं की एक पौराणिक कथा है,
जहाज से एक भूतिया जहाज के रूप में वर्णन किया है जो हर रात को चिलो आइलैंड के पास दिखता है। कहते हैं कि ये जहाज उन सभी लोगों की आत्माओं को ले जाता है जो समुद्र में डूबकर मर गए। हालांकि ये जहाज कुछ क्षणों के लिए रहता है और फिर पानी में गायब हो जाता है, नहीं तो डूब जाता है। तीन चिलोटा वाटर स्पिरिट्स मतलब सायरेना चिलोटा, पिकोया एंड पिकॉय जो मरमेड से मिलते जुलते हैं, वो डूबे हुए लोगों की आत्माओं को सम्मान करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भरी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक रहस्यमय और मिस्ट्री से भरी वीडियो के साथ।